ये डॉक्टर साहब 1260 के आसपास, 1360 के आसपास स्टॉक है, 2.5% ऊपर है। कुछ से एक कॉल लेंगे। इनफैक्ट अगर आपके पास ग्राफिक्स हो, ओवर द वीकेंड इनका डेटा आया है, मंथली डेटा, वो भी हम दिखाते हैं। उसके बाद अच्छा डेटा आया है और एज यूजुअल डेज हाई की तरफ जा रहा है, 3200 ऊपर है। कुछ इसके अंदर राउंड टू शुरू हो रहा है क्या एंजल में? जी हाँ बिल्कुल। इनफैक्ट देखिए, स्टॉक काफी लंबे कंसोलिडेशन फेज से अभी बाहर निकल रहा है, एंड वंस इट मूव्स अबव 1400 आप इसमें यू नो अच्छा खासा मोमेंटम बनते हुए देखेंगे। जो यू नो 1500 1550 के जो लेवल्स हैं, यहाँ तक इस स्टॉक को ले जाएगा। देखिए टिपिकली इस स्टॉक का जो यू नो ट्रेंड रहा है या पैटर्न रहा है वो यही रहा है दैट एक लंबे कंसोलिडेशन फेज में जाता है, इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स के लिए होल्ड करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है, बट देन नो देयर कम्स अ स्ट्रॉन्ग बाउट ऑफ यू नो अपस्विंग। तो ये स्टॉक जरा पेशेंस वाला है, मेरी सलाह रहेगी एग्जिस्टिंग पोजीशन हो तो इसे होल्ड करें। अब स्टॉक में एक अप मूव शुरू हुआ है, इसे भी बेचने की जल्दबाजी ना करें। इमीडिएट बेसिस पे जो इसका 200 डे मूविंग एवरेज है जो आज आज स्टॉक ने क्रॉस किया है, विच इज अराउंड 1330 जोन्स, इमीडिएट बेसिस पे इसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बना के आप होल्ड करें। फ्रेश एंट्री भी करना चाहें तो इस लेवल को आप अपना यू नो स्टॉप लॉस बनाइए, और यू नो 1425 के जो जोन्स हैं ये आपके लिए फर्स्ट टारगेट एक्ट करेंगे, और जैसा मैंने बताया 1500 का जो लेवल है दैट विल एक्ट एज योर सेकेंड टारगेट। आज सुबह से ही बैंकिंग क्षेत्र